हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम सेवन प्रो प्लस की इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आज मैच खेलेगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फर्स्ट T20 मैच होगा उसकी वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, बात करें इस मैच की तो मैं इसकी एक और अपडेट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं टीम दूंगा। और ये जो मैच है ये काफ़ी डाउटफुल मैच है, मतलब इसमें कुछ मतलब कि बहुत सारे प्लेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल नहीं पाई है फिलहाल, और वो उसके लिए आपको अपडेट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। और बात करें जो न्यूज़ मिली है वो तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है, तो एक बार देखते हैं न्यूज़, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें न्यूज़ की तो फर्स्ट न्यूज़ ये है कि स्टीवन स्मिथ के बारे में। फ्रेंड्स, स्टीवन स्मिथ इंजर्ड है और ऑस्ट्रेलिया ने ये कंफर्म किया है कि ये इनके प्लेइंग 11 पर डाउटफुल है और ये खेलेंगे, मतलब स्टीवन स्मिथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये टॉस के पहले निर्णय लिया जाएगा कि स्टीवन स्मिथ खेलेंगे या नहीं। तो प्लीज़ अपडेट वीडियो का वेट कीजिए, एक्चुअली ये कुछ न्यूज़ कंफर्म नहीं हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया ने ये भी कहा है कि स्टीवन स्मिथ के बारे में ये कहा है कि ये इन्हें कुछ जो इंजरीज हुई है वो काफ़ी हैवी हुई है और इनका 100% चांस खेलने का नहीं है, तो आप चाहे तो रिस्क ले सकते हैं एज इन ग्रैंड लीग में एज इन कैप्टन या वाइस कैप्टन। सो प्लीज़ वेट फॉर अपडेट वीडियो। और उसके बाद बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में न्यूज़ है, जो कि एक जो जैक्सन बेरेंडफ है जो बॉलर हैं वो T20 में डेब्यू कर रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, तो जो कि ये जो हैं ऑस्ट्रेलिया में T20 लीग काफ़ी ज़्यादा खेलते हैं और उसके स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि नाथन कुल्टनाइल या बेरेंडफ जैक्स इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, तो ये भी एक न्यूज़ है। एंड देन इसके बाद मैं आपको बात करूँ कि तो जो कि रिचर्डसन है वो खेल सकते हैं और एक और ऑप्शन है एंड्रू ट्राई, तो दो दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ वेट कीजिए अपडेट वीडियो का। उसके बाद बात करें, विराट कोहली ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उन्होंने उसमें ये कहा है कि चहल खेलेंगे। और उसके बाद बात करें, शिखर धवन और रोहित शर्मा ये ओपन होंगे, तो इसका मतलब ये है कि केएल राहुल को खेलने का मौका इस मैच में भी नहीं मिल सकता है। और मनीष पांडे और केएल राहुल के बीच में अभी भी डाउटफुल बना हुआ है। बात करें विकेट कीपर की तो धोनी एक गुड ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन है विकेट कीपर के लिए। और बात करें टीम पिन की तो ये काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, ये तो धोनी तो देखा तो पाँचवें छठवें पे आ जाते हैं, बट ये सातवें समथिंग आठवें पे भी आते कभी कभी टीम पिन बैटिंग करने, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा धोनी का। और उसके बाद बात करें, इस मैच में बारिश आने की चांस काफ़ी ज़्यादा है और ड्यू फैक्टर का भी चांस बना हुआ है, बन सकता है। सो मैच थोड़ा लेट भी स्टार्ट हो सकता है कि इंडिया 3 फास्ट बॉलर के साथ जाए। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ न्यूज़, और आप प्लीज़ मेरे अपडेट वीडियो का वेट कीजिए, मैं उसमें आपको जो न्यूज़ है जो कि डाउटफुल न्यूज़ है मैं आपको कन्फर्म करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैच है और क्रिकेट या फिर कोई भी मैच होता है लीग में या फिर फुटबॉल लीग कबड्डी कोई भी होता है, तो इसमें कोई भी आपको श्योर न्यूज़ नहीं दे सकता। जो श्योर न्यूज़ दे सकता वो है टीम का कैप्टन, और टीम के कैप्टन तक की पहुंच किसी की नहीं है, क्या निर्णय लेते हैं कुछ कन्फर्म नहीं है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ वेट कीजिए अपडेट वीडियो का, जैसे कि हमें कुछ न्यूज़ मिलती है उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। मैच स्टार्ट होने से कुछ आधे घंटे पहले या एक घंटे के पहले समथिंग मैं वीडियो बनाऊंगा, सो प्लीज़ उस हिसाब से आप वेट कीजिए। उसके बाद बात करें, आप दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लीजिए, डेविड वार्नर एरन फिंच ओपनर होंगे, उसके बाद स्टीवन स्मिथ डाउटफुल, अगर स्टीवन स्मिथ नहीं खेलते तो हेनरिकस और डैनियल क्रिश्चियन इन दोनों में से कोई खेलेगा, उसके बाद ग्रैन मैक्सवेल, फिर ट्रेविस हेड। उसके बाद बात करें जो विकेट कीपर हैं, टीम पिन एंड देन कुल्टनाइल, और उसके बाद हैं जो कि एक और डाउटफुल बना हुआ है जो नाथन कुल्टनाइल और बेरेंड्राफ के बीच में, तो प्लीज़ अपडेट वीडियो का वेट कीजिए, मैं उसमें आपको कन्फर्म कर दूंगा। हो सकता है कि
कुल्टनाल और ब्रेंडराफ दोनों भी खेले, क्योंकि ब्रेंडराफ एक T20 स्पेशलिस्ट माने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो डेब्यू कर रहे हैं तो हो सकता है। और बात करें एंड्रयू ट्राई और रिचर्डसन, वैसे तो रिचर्डसन जो है ये स्टीवन स्मिथ के फेवरेट बॉलर हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो प्लीज़ अपडेट वीडियो का वेट कीजिए फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी डाउटफुल है ये मैच। उसके बाद बात करें एडम जम्बा, और फिर बात करें इंडिया की जो प्लेइंग एलेवन है, इसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, फिर विराट कोहली, फिर मनीष पांडे और राहुल के बीच में फिर से डाउटफुल बना हुआ है, बट मनीष पांडे जो कि न्यूज़ आ रही है कि मनीष पांडे खेलेंगे। उसके बाद हार्दिक पांड्या, धोनी, केदार जाधव या अक्षर पटेल, और जहाँ तक की उम्मीद जताई जा रही है कि इंडिया एक बैट्समैन के साथ भी जा सकता है, और अक्षर जो है उतनी बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, ऑलराउंडर है बट उतनी बैटिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, और जाधव अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं और बॉलिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कुछ मैच में से, तो ज़्यादा चांस केदार जाधव का ही है। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार और फ्रेंड्स कुलदीप यादव या आशीष नेहरा, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। तो जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि बारिश की संभावना और ड्यू फैक्टर की संभावना होने के कारण इंडिया तीन फास्ट बॉलर के साथ जा सकता है, तो एक ये भी एक हो सकता है शायद आशीष नेहरा खेले और जसप्रीत बुमराह और इसके बाद यजुवेंद्र चहल। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उसके बारे में, यहाँ पर आप डेविड वॉर्नर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हैं। उसके बाद स्टीवन स्मिथ जो डाउटफुल है इन्हें आप ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं। उसके बाद ट्रेविस हेड इन्हें आप स्मॉल लीग में कैप्टन या सॉरी वाइस कैप्टन रखिए और ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं। उसके बाद बात करें ग्रैंड मैक्सवेल की, तो आप इन्हें स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन और ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन रख सकते हैं। उसके बाद बात करें कुल्टन आयल, फिर उसके बाद एरन फिंच, इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स उसके बाद है ब्रेंडराफ, और तो ये हो गई प्लेइंग एलेवन ऑस्ट्रेलिया की, आई मीन इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया के, इसमें रोहित शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में, शिखर धवन कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में, विराट कोहली कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में, MS धोनी जो कि जिन्हें आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ही वाइस कैप्टन बनाइए, कैप्टन बनाएगा क्योंकि थोड़ी लेट बैटिंग करने आता तो उतना अच्छा आपके लिए ऑप्शन नहीं रहे, बट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप इन्हें अगर कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया जाए तो आप इन्हें वाइस कैप्टन बनाए। और उसके बाद बात करें हार्दिक पांडे जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, जब वनडे में इतना धमाका कर रहे हैं तो भाई T20 मैच है जिसमें भाई वो हर बॉल में सिक्स ही मारने की कोशिश करेगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है, और हो सकता है कि थोड़ी पहले भी बैटिंग करने आए अगर बारिश आती है तो। सो उसके बाद बात करें यजुवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, जिन्हें आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि बारिश अगर आए, अगर बारिश आती है या ड्यू फैक्टर होता है तो मैच थोड़ा लेट स्टार्ट हो भी सकता है, तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया ज़रूर तीन फास्ट बॉलर के साथ जा सकती है। सो फ्रेंड्स ये रही वीडियो, प्लीज़ आप मेरी अपडेट वीडियो का वेट कीजिए, दोनों टीम का प्लेइंग एलेवन देख लिए फटाफट, ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग एलेवन, इंडिया की प्लेइंग एलेवन, ऑस्ट्रेलिया की जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, उसके बाद इंडिया के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। सो प्लीज़ फ्रेंड वेट कीजिए मेरे अपडेट वीडियो का, मैं इसमें आपको जो कि और न्यूज़ बाकी है मैं इसमें आपको कुछ कंफर्म करने की कोशिश करूँगा बिफोर मैच स्टार्ट एट 1 आवर, एक घंटे पहले मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, हो सकता है कि मैं आधे घंटे पहले बनाऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।